चलो देखो, तो टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा आपका एसोसिएटेड डाइजेस्टिव क्या ग्लैंड्स। ये दोनों मिलकर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल आपकी कैसी होती है, लॉन्ग हॉलो सर्कुलर ट्यूब, ठीक है, विच इज़ अबाउट 8 to 10 meters इन लेंथ एक ह्यूमन अडल्ट में, हेल्दी अडल्ट में। तो लॉन्ग हॉलो सर्कुलर क्या है ये, ट्यूब विच इज़ अबाउट 8 to 10 meters, 10 meters 8 to 10 meters के करीब लंबी होती है, ठीक है, क्लियर। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ये तो रास्ता है, एलिमेंट्री कैनाल तो एक ट्यूब है पूरी आपके बॉडी के अंदर जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे टर्मिनेट होती है ना, डायग्राम में अगर आप देखोगे माउथ से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट्स माउथ, एंड कहाँ पे होती है, एनस पे, ठीक है, क्लियर। बोर्ड एग्जाम में एक तो यही क्वेश्चन आ गया था कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे टर्मिनेट होती है, एनस पे, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। अब ये रास्ता है जहाँ से खाना आपका जाएगा, है ना, इसी के अंदर से तो खाना जाता है आपका, माउथ से लेकर एनस तक पूरी जर्नी आपकी ट्रैवल होती है, फूड की जर्नी ट्रैवल होती है। अब वो है आपके रास्तों में क्या आएंगे, कुछ ग्लैंड्स, इन रास्तों में ग्लैंड्स आएंगे, इन रास्तों में कुछ स्टेशंस आएंगे, है ना। तो उन ग्लैंड्स के नाम क्या है, तो ये ग्लैंड्स हैं बेसिकली 5 types के, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में, गैस्ट्रिक पैनक्रियास लिवर, है ना, पैनक्रियास इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना खुद का ग्लैंड, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये 5 main glands है, क्लियर। तो नाम पहले याद रखो, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, लोकेशन भी बता रहा हूँ मैं, गैस्ट्रिक स्टमक में, लिवर राइट साइड में, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, तो यहाँ होता है ये राइट में, ठीक है, पैनक्रियास स्टमक के नीचे, ड्यूडेनम के बिल्कुल बीच में, स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 parts हैं लास्ट वाले पार्ट में, ड्यूडेनम जेजुनम इलम, तो इलम वाले में, ठीक है ना, लास्ट पार्ट, क्लियर। तो ये तो हो गए ग्लैंड्स, तो ये ट्यूब हॉलो सर्कुलर लॉन्ग ट्यूब और ये उनके एसोसिएटेड ग्लैंड्स, क्लियर है ना अभी तक तो सारी चीज़ें, और यही हम पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में। तो माउथ से स्टार्ट करेंगे और एनस तक जाना है हमें, हर एक रीजन को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, हर एक रीजन अगर आप ध्यान से करते जाओगे तो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट। और एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इससे बोर्ड एग्ज़ाम में, गारंटीड है, चाहे वो एंजाइम का नाम हो, चाहे उसका फंक्शन हो, चाहे वो ग्लैंड का नाम हो, ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करो ये। तो याद रखना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, माउथ से एनस तक लॉन्ग हॉलो सर्कुलर ट्यूब 8 to 10 meters लॉन्ग, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक, लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो देखो,
माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी. अब माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं बताओ. टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड भी माउथ में ही है. सलाइवा है ना जो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं. तो क्या क्या चीज़ें, टीथ, फिर आपका क्या आ जाएगा, टंग, नेक्स्ट सलाइवा है ना. ये तीन चीज़ें होती हैं, टीथ, टंग, सलाइवा. टीथ का फंक्शन है ना पीसेस में कन्वर्ट करना, फूड पार्टिकल्स को, फूड को पीसेस में कन्वर्ट करना, मैस्टिकेशन, चबाने में है ना. तो मैस्टिकेशन, मैकेनिकल डाइजेशन. टीथ मैकेनिकल डाइजेशन में काम करते हैं क्योंकि टीथ आपके काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं. एक्शन को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल है ना. तो मैस्टिकेशन, इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड. मैस्टिकेशन ऑफ है ना पार्टिकल्स में, सिंपल स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं. एंजाइम नहीं है कोई, मैकेनिकल डाइजेशन. एंजाइम करते हैं केमिकल डाइजेशन. तो डाइजेशन दो तरीके से होती है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल. ये मैकेनिकल वाला है, ये कौन सा है, मैकेनिकल. यही होती है सिर्फ मैकेनिकल, बाकी तो फिर एंजाइम करेंगे केमिकल. ठीक है, क्लियर. टीथ आपके चार तरह के होते हैं, इनसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड, सबके फंक्शन पढ़े हुए आपने सेवेंथ क्लास में है ना. इन सीजर है, सीजर है कटिंग करेगा, जो कैंची करती है सीजर. कैनाइन टेयरिंग, जो कैनाइन एनिमल्स के होते हैं, टाइगर, लॉयन है ना, कैसे मांस को फाड़ते हैं, खाते हैं. प्री मोलर, मोलर ये तो ग्राइंडिंग करते हैं, ये तो चक्की है ना, पीछे की तरफ होते हैं, पीसता है ये तो, ग्राइंड कर देता है. जैसे हर्बीवोरस में ये गाय भैंस चबाती रहती है दिन भर है ना, ग्राइंड करती रहती है. क्लियर. तो ये तो हो गया अलग अलग फंक्शन. फिर अगर कोई बच्चा अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो अडल्ट का डेंटल फार्मूला पता होना चाहिए. अडल्ट डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2-1, ये अडल्ट डेंटल फार्मूला है, 2-1-2-3 डेंटल फार्मूला अडल्ट का, ओलंपियाड में आ जाता है. ठीक है, एनटीएससी में आ जाता है. 2 क्या है यहाँ पे, इनसीजर. आई क्या है, 1 क्या है, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर. ये हाफ जॉ का होता है, ये हाफ जॉ का है, पूरे जॉ का नहीं है. ये हाफ अपर जॉ, हाफ लोअर जॉ. ऊपर वाला अपर जॉ का है हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ अपर जॉ, यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर जॉ है ना. ये देखो ये जॉ है, सपोज ये हाफ कर दिया तो ये क्या हो गया, हाफ अपर जॉ, हाफ लोअर जॉ है ना. तो यहाँ पे ये जो दांत है ये है वो, ये है फॉर्मूला. हमारे मोलर तो दो ही हैं, दो मोलर हैं हमारे पास. तो चाइल्ड हो ना. अच्छा 32 भी सब में नहीं होते, किसी के 30 ही रह जाते है ना. नहीं बड़े होने के बाद भी ज़रूरी नहीं होता कि 32 के 32 ही हों, ये तो एवरेज है. किसी के नहीं भी आते तो इसीलिए. ठीक है, हाफ अपर जॉ, हाफ लोअर जॉ. ऊपर वाले को ऐड करो कितना आएगा, 8 ऊपर 8 नीचे, आधा आधा हो गया. इधर भी कितने होंगे, 8 और 8 16+16 आ गया 32 है ना. क्लियर. अब चाइल्ड का क्या है, चाइल्ड का डेंटल फार्मूला 2-1-0-2 पाँच ऊपर 5 नीचे एक तरफ के. तो 5 और 5 10 ऊपर, 5 और 5 10 नीचे, 10 और 10 20. तो चाइल्ड में 20 होते हैं, प्री मोलर नहीं होते. देखो चाइल्ड में प्री मोलर बाद में आते हैं. तो 12 ऐसे दांत हैं जो बाद में आते हैं, टोटल 12 ऐसे दांत हैं.
क्योंकि 20 और 32 कितने बचे, 12, है ना, तो इसीलिए ठीक है। ये बोर्ड में कभी नहीं पूछा अभी तक तो डेंटल फार्मूला, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। चलो नेक्स्ट, अब ये तो पता ही आपको, टेम्परेरी टीथ परमानेंट टीथ, ठीक है, तो टीथ हो गया हमारा, इतना आपको याद रखना है। अब आ जाओ टंग पे, टंग किस काम में आता है, मिक्सिंग में और टेस्ट बर्ड्स होते हैं और स्वेलोइंग, है ना, किसमें, स्वेलोइंग में, ठीक है, और स्पीच बोलने में, स्पीच ठीक है। इसका तो वैसे कोई है लेना देना नहीं है, क्लियर, बाकी तो मेन है, वैसे टंग के ओवरऑल फंक्शन है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये तो आपको याद रखना। अब आ जाते हैं सलाइवा पे, टेस्ट तो पता ही आपको, टिप पे स्वीट होता है, फिर उसके पीछे सॉल्ट, सबसे पीछे तो बिटर होता है, और क्या बचा फिर आपका, स्वीट सॉर, है ना, साइड में सॉर है, पीछे बिटर है, ठीक है, और स्वीट के पीछे सॉल्ट है। अब आ जाओ सलाइवा पे, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा कैसा होता है, मुंह में जो पानी आता है उसी को तो कहते हैं ना सलाइवा, तो सलाइवा वाटरी, है ना, फ्लूड लाइक सब्सटेंस, है ना, तो ये वाटरी फ्लूड लाइक सब्सटेंस है, फ्लूड लाइक सब्सटेंस। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, सलाइवा भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है ना, स्लाइमी टाइप होता है, इसमें म्यूसिन होती है, क्या होती है, म्यूसिन, जो इसको चिपचिपा बनाता है। इसके अलावा वाटर तो होता ही है इसमें, ठीक है, इसके अलावा इसमें आयोन्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सारे आयोन्स प्रेजेंट होते हैं, Na+ Cl- K+ एट्सेट्रा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम्स, तो इसका मतलब डाइजेशन माउथ से स्टार्ट, है ना, क्योंकि इंजाइम है, तो इसके अंदर इंजाइम होता है, दो इंजाइम होते हैं, एक जो डाइजेशन में हेल्प करता है और एक जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ एंजाइम के नाम, इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखो, तो सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, क्या नाम है, ये एंजाइम का नाम है, बहुत बार एग्जाम में आया है, सलाइवा से सलाइवरी, है ना, उसी के नाम पे रख दिया, मेन तो है एमाइलेज जो आपको याद रखना है, सलाइवरी एमाइलेज, बोलो सभी एक बार, है ना, बोला करो सलाइवरी एमाइलेज। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम टाइलिन, क्या नाम है, पी साइलेंट है इसमें, टाइलिन पी साइलेंट है, ठीक है, टाइलिन करो प्रोनाउंस, टाइलिन, ठीक है ना, तो सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन, अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन। अभी किसको डाइजेस्ट करता है, क्योंकि एंजाइम है ये तो, है ना, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ये, तो ये क्या करता है, स्टार्च को, कुक्ड स्टार्च को, एरो पे मैंने एंजाइम लिख दिया, ये सबस्ट्रेट लिख दिया, ठीक है, और किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर, क्या नाम है, माल्टोस, एनसीईआरटी में सिंपल शुगर लिखा हुआ है, आप माल्टोस भी लिख सकते हो, ये एनसीईआरटी का है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज, और स्टार्च आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब माउथ में किसके डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की, ना प्रोटीन ना फैट, ओनली कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है,
कि माउथ में किस न्यूट्रिएंट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, क्लियर। तो इसको आप ये इक्वेशन फॉर्म में जनरली ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो, स्टार्च एरो पे आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दोनों में से कोई भी एक नाम लिख दो, और प्रोडक्ट माल्टोस या फिर सिंपल शुगर, एनसीईआरटी सिंपल शुगर लिखता है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल आंसर, सिंपल शुगर। दूसरा एंजाइम इसको नोट कर लो, जो दूसरा एंजाइम है सेकेंड जो एंजाइम है, ये डाइजेशन तो नहीं करता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजोम नहीं है, ये लाइसोजाइम है, ये है दूसरा एंजाइम लाइसोजाइम। ये भी बड़े काम का ही है, क्लीन करता है ये माउथ को, सफाई करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसमें, बैक्टीरिया को किल करता है ये। तो मुंह में जो पानी आता है वो एक तरीके से आपके मुंह माउथ की क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है, सफाई कर रहा है। ये आपके टीयर में भी होता है, आंसू में, आंखों की सफाई करता है ना। तो कभी कभी रो लेना चाहिए, आंखें साफ हो जाती हैं, है ना। छोटा बच्चा रोता है तो ऐसे ही बोलते हैं, रोले आंखें साफ हो जाएंगी, क्लियर। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं इसीलिए, क्लियर। तो ये है दो एंजाइम, एनसीईआरटी में ये है, ये नहीं दिया है तो ये आएगा भी नहीं जनरली, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखना है, ये पता होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, चलें आगे। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, पीएच। हर एंजाइम को काम करने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक वातावरण चाहिए, है ना, पीएच चाहिए, जिस पीएच पे वो अच्छे से काम कर सके। तो इसका पीएच कितना होता है, 6.8, स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि 7 न्यूट्रल है, 7 के नीचे एसिडिक है, तो ये 7 के पास है, तो क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक। अगर 6.8 याद नहीं आता है, यू कैन राइट स्लाइटली एसिडिक, वो भी चलेगा, लेकिन गलत मत लिखना पीएच, याद है तो लिखो, नहीं तो स्लाइटली एसिडिक लिखो, गलत कभी मत लिखना, ठीक है ना। कहीं तो कम आ दो, 6 लिख दो, 6.5 लिख दो, नहीं, सीधा लिखो स्लाइटली एसिडिक, ठीक है ना। तो स्लाइटली एसिडिक चाहिए, और 30% स्टार्च डाइजेस्ट होता है माउथ में, क्योंकि माउथ में खाना रहता कितने देर है, चबाया और गया अंदर, है ना। तो 30% स्टार्च, और वो भी कुक स्टार्च, पका हुआ स्टार्च, रॉ स्टार्च नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद खाने के साथ, अब हमने एक नाम दे दिया खाने को, उसका एक नाम रख दिया, है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, बोलस, क्या बोलेंगे, अब खाना जो है ना आपका, वो बोलस कहलाएगा, ये सब होने के बाद बोलस कहलाएगा। तो जो आपने स्वेलो किया वो क्या था, बोलस। तो बोलस क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज कॉल्ड बोलस। तो नोट कर लो, बोलस कहते हैं इसको, ठीक है, पता होना चाहिए, नोट करो, बोलस इज अ पार्शली डाइजेस्टेड फूड, कहाँ पे, इन द माउथ इज कॉल्ड बोलस, ठीक है। और इस बोलस का पीएच कितना होगा, वही स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, नोट करो, पार्शली मतलब पूरा थोड़ी डाइजेस्ट हुआ है अभी, पार्शली डाइजेस्टेड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज कॉल्ड बोलस। तो ये बोलस आप निकल रहे हो, बोलस आप स्वेलो कर रहे हो, पीएच तो यही है ना माउथ में, 6.8, ठीक है, क्लियर। चले आगे, माउथ कंप्लीट, चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि माउथ कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है एक तरीके से, टीथ, टंग, सलाइवा, एंजाइम का नाम इम्पॉर्टेंट है, पीएच इम्पॉर्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, हाँ वही रहेगा ना, माउथ में ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए
अब एक क्वेश्चन आता है, देखो एग्ज़ाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, मैं ये रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा। दो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ए एंड बी, च्यूड राइस, ठीक है, पके हुए राइस है, उसको चबाया और इसमें डाल दिया, जबकि इसमें कुक्ड राइस, कैसा राइस, वो च्यूड नहीं है, पके हुए चावल है, ठीक है, क्लियर। आयोडीन डाला, इसमें भी आयोडीन डाल दिया, अब बताओ किसमें कलर चेंज आएगा, नहीं किसी एक में आएगा, बी वाले हाथ ऊपर, चार पांच हैं, ए वाले कितने लोग कहते हैं ए में आएगा, हाथ ऊपर, बाकी कहाँ गए, बाकी दो वाले हैं, ए और बी वाले, हाँ तो देखो, अब देखो आयोडीन डाला हमने, आयोडीन तो हमने पहले भी डाला था एक्टिविटी में, याद है ना, आयोडीन किसके लिए करते हैं टेस्ट, स्टार्च के लिए, चावल में तो स्टार्च होता ही है, लेकिन ये कैसे चावल हैं, च्यूड, पका है ना, पके हुए, मतलब चबाए हुए, तो जब आयोडीन हम डालेंगे इसमें तो यहाँ पे स्टार्च तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया, नो ब्लू ब्लैक कलर, तो यहाँ पे कलर नहीं आएगा, नो कलर, आ गया ना समझ में, क्योंकि वो तो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया भाई, मुंह से चबाए हुए हैं, सलाइवरी अमाइलेज था, स्टार्च को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, यहाँ तो स्टार्च है, और स्टार्च आयोडीन के साथ क्या देगा, ब्लू ब्लैक, ये आया हुआ है बोर्ड में, है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, यहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया है, कॉन्सेप्ट, नॉलेज अप्लाई किया आपने, कॉन्सेप्ट समझ में आया, नॉलेज अप्लाई की, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, कि सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज, काम क्या था, स्टार्च को सिंपल शुगर में नॉलेज अप्लाई करनी है, चबाए हुए चावल है ना, तो फिर सलाइवरी एमाइलेज था मुंह में, सलाइवा में स्टार्च को ख़त्म कर दिया उसने सिंपल शुगर में, स्टार्च बचा ही नहीं, तो फिर कलर कहाँ से देगा आयोडीन के साथ, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस बार, पैटर्न चेंज हो गया है पिछले बार का और इस बार का, ठीक है ना, साफ साफ नोटिस में आया हुआ है सर्कुलर में CBSE के, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी, रट्टा से काम नहीं चलेगा, इसीलिए समझ के करो, नॉलेज को अप्लाई करना सीखो, ठीक है ना, इसीलिए क्लियर, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, चले आगे, अब बोलस को कहाँ पहुँचाना है, स्टमक में, तो कौन पहुँचाएगा, ईसोफेगस, है ना, फूड पाइप, ईसोफेगस, तो चलते हैं आगे, ईसोफेगस में, तो नेक्स्ट ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप, तो जब बोलस अंदर जाता है ईसोफेगस में, उससे पहले तो फैरिंग्स के बाद दो रास्ते आ जाते हैं,
फेरिंग्स कॉमन पैसेज है हवा के लिए भी खाने के लिए भी, तो फूड बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, क्योंकि आगे रास्ते दो दो आ जाते हैं, एक विंड पाइप एक फूड पाइप, तो फूड तो यहाँ खड़ा हो गया, कहाँ जाना है ना, तो कौन गाइड करेगा उसको, विंड पाइप, कैसे? हाँ ये रेस्पिरेशन में आता है वैसे तो टॉपिक, लेकिन मैं यही करा रहा हूँ इसको। विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? अच्छा ओपनिंग को कहते हैं, विंड पाइप को नहीं कहते है ना, विंड पाइप के होल को कहते हैं ग्लॉटिस, विंड पाइप को तो ट्रैकिया कहते हैं है ना, ट्रैकिया कहते हैं, ये इसकी ओपनिंग है याद रखना, विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। फूड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं? गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। गलेट फूड पाइप की ओपनिंग है, विंड पाइप की ओपनिंग ग्लॉटिस है। अब इस ग्लॉटिस को कवर करता है एपिग्लॉटिस, किसके ऊपर है? ग्लॉटिस के ऊपर है, तो एपी वर्ड यूज़ करेंगे, एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहाँ होता है? ग्लॉटिस के ऊपर। अरे नाम पे ही तो देखो, एपी का मतलब अपॉन, ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर, एपिग्लॉटिस। एपी वर्ड ऊपर के लिए यूज़ करते हैं बायो में, एपिग्लॉटिस। कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक ढक्कन है ये, ठीक है ना, तो जब खाना आता है ये बंद हो जाता है, खाना कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, क्योंकि विंड पाइप के पीछे क्या है? विंड पाइप के पीछे फूड पाइप है, तो ये बंद हो जाएगा, तो ये प्रिवेंट कर रहा है ना एपिग्लॉटिस फूड को विंड पाइप में एंटर करने से। तो ये है वो स्ट्रक्चर जो खाने को रोकता है सांस की नली में जाने से, लेकिन कई बार ये जल्दी से बंद नहीं हो पाता है, खाना गलती से चले जाता है, ये तब होता है जब आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, बोलते हो, हंसते हो खाते टाइम, तब होता है, कई बार तो पानी भी चले जाता है, और फिर सीधा कहाँ जाता है खाना और पानी? नाक में, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, वो सीधा उसको नाक में पहुँचा लेगा, आप पहुँचा देगा, बोला ये लो निकालो नाक से, है ना, लंग्स थोड़ी अंदर लेगा उसको, लंग्स फूड के लिए वाटर के लिए थोड़ी बना है स्टोर करने के लिए, तो वो कहाँ भेजेगा उसको? नाक से में, है ना, नाक में ही तो भेजेगा, फिर नाक से निकालते रहो, आ गया समझ में? ठीक है, अब आ जाते हैं फूड पाइप में। एपिग्लॉटिस वाला क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ध्यान रखना, ये रेस्पिरेशन में भी आएगा, तो वहाँ मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ मैंने बता दिया। ईसोफेगस आपका माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है, इसमें कोई एंजाइम तो होते नहीं है, जो माउथ से डाइजेशन चली आ रही है वही चलती रहेगी, क्योंकि इसके अपने खुद के तो कोई एंजाइम होते नहीं है, कंटिन्यू वही डाइजेशन चल रही है जो माउथ में स्टार्ट हुई थी स्टार्च की, बस वही चलती है ना। अब यहाँ पर एक मूवमेंट होती है जिसका नाम है पेरिस्टाइलेटिक मूवमेंट, NCERT लिखता है, मूवमेंट से ही अंदर है ना समझ जाते हैं हम लोग कि कौन सा मूवमेंट है, ये पेरिस्टाइलेटिक मूवमेंट, पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट से ही समझ जाना कि कौन से मूवमेंट की बात कर रहा है, पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाइलिसिस भी कहते हैं इसको। ये वो मूवमेंट होती है जो पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होती है, 8 से 10 मीटर जो लंबी है ना, ये पूरे अलोंग विद द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में होती है। क्यों? खाना धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ता, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बढ़ता है ना ऐसे धीरे धीरे आगे, धक्का लगता जाता है, तो धक्का कौन मार रहा है? यही तो मूवमेंट है जो धीरे धीरे इसको सरकाती है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, नोट कर सकते हो, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, लिखो, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स, ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड,
इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. तो ये खाने को आगे धकेलने में मदद करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करती है. अजगर को देखा होगा ना खाना निकलते हुए, कैसे खाने को धीरे धीरे अपने आगे स्टमक में भेजता है, बिल्कुल वैसी तो मूवमेंट होती है ना, क्योंकि अजगर तो सीधा निकल लेता है, चबा चबा के थोड़ी खाता है, वो तो अंदर डाइजेस्ट करेगा फिर धीरे धीरे, तो बिल्कुल वैसी ही मूवमेंट होती है. ठीक है ना, रिदमिक मूवमेंट होती है, धीरे धीरे आगे आपका खाना सरकता चलेगा. तो ये इसकी डेफिनेशन है. मूवमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, नेम द मूवमेंट बाई विच द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल. आंसर क्या होगा, पेरिस्टाइलेटिक मूवमेंट. मूवमेंट ही इसकी पहचान है, एक ही तो मूवमेंट है पेरिस्टाइलेटिक मूवमेंट. और याद रखना एंटायर गट में होती है, एंटायर गट में होती है, एनसीईआरटी लिखता है एंटायर गट. तो मिल गया आपको एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम, गट. गट भी कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को शॉर्ट में, गट. ठीक है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट शॉर्ट में, ये तीसरा नाम है. एलिमेंट्री कैनाल, GI ट्रैक्ट या फिर गट. ठीक है ना, गट NCERT का भी पॉइंट है, ये NCERT में लिखा हुआ है गट. ठीक है, क्लियर, पता चल गया. तो अब अल्टीमेटली आपका खाना पहुंच गया स्टमक. ठीक है ना, तो स्टमक जो कि आपका, ठीक, स्टमक. ठीक है, जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, स्टार्ट तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे क्या क्या है स्टमक में. ठीक है.